बिल आना चाहिए लेकिन जो जिससे वक्फ बोर्ड मजबूत हो वो बिल आना चाहिए जिससे वक्फ बोर्ड कमज़ोर हो वो बिल नहीं आना चाहिए कि जैसे बिहार सरकार से आप बात करिएगा तो 9 से दस हज़ार कब्सानों की घेराबंदी ऑन रिकॉर्ड हम लोगों ने करवाया है जनता दल यूनाइटेड की सरकार ने कराया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कराया है लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन की बात कीजिएगा तो मुश्किल से आठ भी रजिस्टर्ड नहीं है वक्फ बोर्ड में देखिए ललन बाबू मानिए ललन सिंह निश्चित तौर पे पार्टी के बड़े नेता हैं और उन्होंने अब ये आप कह सकते हैं कि उस पर कोई चर्चा नहीं चल रही थी वो बिल आया था ठीक है उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं कहीं कोई आपत्ति आप की बात नहीं लेकिन जिनका स्टेक है आप उनसे बिना बात किए हुए अगर आप संशोधन करते हैं तो ये कहीं ना कहीं जाती हो नमस्कार मैं हूं देवंशु आप देख रहे हैं न्यूज फोर्ट बप संशोधन बिल का मामला जो है वो जेपीसी के पास है और जे की बैठक जो है वो बीते बाईस अगस्त को हुई जहां पर खबर ये कि जो है पक्ष और विपक्ष में खूब बहस जो है इस बिल को लेकर हुआ है इस बीच बिहार में क्या हो रहा है इस बिल को लेकर तो बीते हफ्ते बिहार सिया बोर्ड हो या बिहार सुन्नी बोर्ड के अध्यक्ष हों या कई इदारों के उलमा कई इदारों के मौलाना जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचते हैं मिलने के लिए बिहार के माइनॉरिटी मिनिस्टर जमा खान भी जो है इस मीटिंग में होते हैं इस दौरान जो है अलग अलग मुस्लिम नेताओं के तरफ से अलग अलग मौलानाओं के तरफ से जो है बातें रखी जाती है नीतीश कुमार के समक्ष कि ये बिल जो है वो का विरोध जो है वो आप लोग करें जब इस बिल पर पार्लियामेंट में चर्चा हो रहा था तो ललन सिंह ने इस बिल का समर्थन किया था और, और इस दिन जब मीटिंग हुई तो जेडू पार्टी से ही कई ताल्लुक़ करने वाले मुस्लिम लीडर्स ने इस बिल को लेकर कहा नीतीश कुमार के समक्ष कि ललन सिंह ने जो कहा है वो कहीं कही ना कहीं हमारे हितों के लिए नहीं है तो दूसरी छोर हुआ कि तेजस्वी यादव से भी कई मुस्लिम जो हैं लोग हैं मौलाना लोग हैं वो लोग मिलने के लिए पहुँचे इस बीच चिराग पासवान से भी मिलने पहुँचे तो क्या होना चाहिए इस बिल को लेकर असल में इस मुद्दे पर हम बात करने के लिए बिहार राज्य सुन्नी बोर्ड के पूर्व प्रशासक सैयद सारिम अली साहब होंगे आपने देखा कि जिस तरीके से सियासत हो रही है और अलग अलग मुस्लिम नेता हैं अलग अलग इदारे के लोग जो हैं अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं लब्बलबाव यह है कि ज़्यादातर जो लोग हैं यही चाहते हैं कि ये बिल पास ना हो इस बीच मामला जो है वो पूरा जो है वो जेपीसी में है तो आप क्या मानते हैं क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए देखिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज फॉर्मेशन का जो आपने हमारी राय लेना चाहिए इसमें देखिए न्यूज़ फॉर नेशन को बड़े स्पष्ट तरीके से मैं ये बताना चाहूँगा कि वक्फ़ क्या, है क्या क्या मसला क्या है आ, क्यों आ, मिली इदारे और हमारे दूसरे या आ, आम मुसलमान इसकी मुखालफत कर रहे हैं या क्या मसला है जिसकी वजह कर वो लोग आ, सभी जगह पे मिलने का काम कर रहे हैं और अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं देखिए अमेंडमेंट की बात कीजिएगा बिल आने की बात कीजिएगा तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि इसकी मुखालफत नहीं है बिल की मुखालफत नहीं है बिल में जो संशोधन हो रहा है उसकी मुखालफत है उसमें जहाँ जहाँ पे उनको एतराज़ है उन चीज़ों को देने का काम लोगों ने किया है अब चूँकि उसमें आ, जो मिली इदारे हैं उनसे हमारी ही बात हुई है उन लोगों का कहना है कि पूरे बिल में ही आ, कहीं ना कहीं आ, आ, इसका मोटिव सही नहीं है इसका बेटरमेंट के लिए ये बिल नहीं लाया जा रहा बल्कि Uh, कहीं ना कहीं कंटेल करने की पावर कर्टेल करने की बात उसमें हो रही है ठीक है उनका अपना पक्ष है पर मुझसे अगर आप मेरी जाति राय लीजिएगा तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उनको बिल्कुल हटाना चाहिए और उसमें जो ट्रांसपेरेंसी की बात है उसको जो मजबूत करने की बात है उसको uh, करना चाहिए और जो इसमें नहीं है बिल में आप बेहतर समझते हैं कि इस तरह से बिल में संशोधन होना चाहिए उसको सुझाव देके उसे लेकिन आपसी राय मशवरे से ही होना चाहिए इसका महमाती हूँ तो राय मशुरा तो हो रहा है ना इसलिए तो जेपीसी के पास गया है लेकिन नीतीश कुमार से जो है वो बीते हफ़्ते कई नेता मिले थे जेडू से ही ताल्लुक़ रखते हैं सिया बोर्ड के अध्यक्ष थे सुनी बोर्ड के अध्यक्ष उनका कहना है कि ये बिल सही नहीं है ये हकमारी वाला एक तरह से बिल है नीतीश कुमार ने जो हमारे श्रोत बताया एश्योर भी किया है कि हम तो मुस्लिम हितों की रक्षा कर करते हैं हमने इतनी कब्रिस्तानों की घेराबंदी की है तो ऐसा नहीं होने देंगे यानी कि ललन सिंह ने जो लाइन पार्लियामेंट में रखी उसके खिलाफ थे देखिए ललन बाबू मानिए ललन सिंह निश्चित तौर पे पार्टी के बड़े नेता हैं और उन्होंने अब ये आप कह सकते हैं कि उस पर कुछ चर्चा नहीं चल रही थी वो बिल आया था ठीक है उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है ठीक है जब चर्चा होती जिसमें से जो बातें मुसलमानों के खिलाफ हैं जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं वक्फ प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ हैं उस पर अगर बातें आती हैं और उस पर वो कहते कि नहीं साहब ये बिल ये जो संशोधन है वो होना चाहिए इस तरह की बात उन्होंने नहीं कहा ठीक है उन्होंने कहा कि मुसलमानों के हित के लिए काम होगा मुसलमानों के सपोर्ट किया था ना उन्होंने पार्लियामेंट में बिल को बिल पे चर्चा कहाँ हुई है संशोधन पे कोई चर्चा हुई है नहीं संशोधन तो अभी आया ही आया ही नहीं, नहीं है, है जे, ठीक जे, है नहीं आया तो मैं मैं भी कह रहा हूँ कि बिल आना चाहिए लेकिन जो जिससे वक्फ बोर्ड मजबूत हो वो बिल आना चाहिए जिससे वक्फ बोर्ड कमज़ोर हो वो बिल नहीं आना चाहिए तो किन किन बिंदुओं पर आपको लग रहा है कि इस बिल के जरिए कमज़ोर होगा वक्फ जी बिल्कुल बड़ा आ, सही सवाल आपने किया और आ, मुझे लगता है कि इस पर कम चर्चा हो रही है ऊपर ऊपर की बातों पर ज़्यादा चर्चा हो रही है सबसे पहली बात यह है कि आ, जो मुझे लगता है ऐसे तो आ, बहुत सारे उसमें चौवालीस अमेंडमेंट्स हैं लेकिन जो मुख्य अमेंडमेंट जो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे इससे वक्त की प्रॉपर्टीज़ को नुकसान होगा और वक्त बोर्ड कमज़ोर होगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो आपका जो वक्फ बाई यूज़र है ठीक है उसके लिए वो एक क्लॉज है थ्री आर ठीक है वो क्लॉज को ओमिट कर दिया गया है इस नए इसमें वो डिफरेंटली वो वफ को कमज़ोर करेगा और उससे तनाज़ा भी बढ़ेगा उससे आ, आपसी मतभेद भी लोगों का बढ़ेगा और दिक्कतें आएंगी अगर उस एक पर्टिकुलर क्लॉज को अगर आप ओमिट कर देते हैं इसके अलावा हर आ, बोर्ड का हर धार्मिक संगठन का अपना अपना निज़ाम है अपने अपने उसके लोग उसमें मेंबर्स हैं तो इसमें भी मुसलमानों के लिए है ये मुसलमान वक्फ बोर्ड डेफिनेटली मुसलमानों से जुड़ी हुई मसाइल्स हैं मुसलमानों से, से जुड़ा हुआ मामला है तो इसमें भी मुस्लिम का उसमें क्लॉज है उसमें भी एक जगह पर लाया गया है कि उसमें नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं तो डेफिनेटली भाई न्यास बोर्ड की बात कीजिएगा तो वहाँ पे आपको केवल हिंदू मिलेंगे महाबोधि टेम्पल की बात कीजिएगा वहाँ पे बौद्धिस्ट मिलेंगे आप सिखों के धर्मों की बात कीजिएगा तो वहाँ पे सिख मिलेंगे तो इसमें इंटरफेयर नहीं होना चाहिए यह भी एक ऑब्जेक्शनेबल आम मुसलमानों को इस पर एतराज़ है मिली इधारों के इस पर एतराज है लेकिन इन सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई वो सबसे ख़तरनाक चीज़ है कि आप वक्त बाई यूज चूँकि अब इसको अब मैंने एक लाइन में बोला तो शायद ये बात आपको समझ में ना आए या आम बोलचाल में लोग नहीं समझ पाए लेकिन इसका इम्पैक्ट आपको मैं थोड़ा सा बता देना चाहूँगा कि जैसे बिहार सरकार से आप बात करिएगा तो नौ से दस हज़ार किसानों की घेराबंदी ऑन रिकॉर्ड हम लोगों ने करवाया है जनता दल यूनाइटेड की सरकार ने कराया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कराया है लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन की बात कीजिएगा तो मुश्किल से आठ भी रजिस्टर्ड नहीं है वक्त बोर्ड में तो अगर आप वर्क बाय यूजर आपने हटा दिया तो एक मोहल्ले में चार चार कब्रिस्तान है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है उसके पेपर्स भी आप खोजिएगा तो शायद ही मिले तब तो वो सब का सब डिस्प्यूटेड हो गया इसका मतलब यह हुआ कि नाइन्टी परसेंट कब्रिस्तान जो है नाइन्टी परसेंट मस्जिद जो रजिस्टर्ड नहीं है वो सबके सब, सब वहां पे आपकी प्रैक्टिस रुक जाएगी वहां पे क्योंकि उसमें एक दूसरे क्लॉज में लिखा हुआ है कि कलेक्टर के पास ये पावर की एक नोटिस अगर उन्होंने दे दिया निगत कर दिया किसी वक्त प्रॉपर्टी पे जो रजिस्टर्ड नहीं है तो वहाँ पे जो प्रैक्टिस हो रही है वो रुक जाएगी अगर आप दफन कर रहे हैं तो रुक जाएगा नहीं आप कह रहे हैं कि ठीक है बफ की कई प्रॉपर्टी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे कि सभी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रजिस्ट्रेशन के दायरे में आ जाए ये ये महत्वपूर्ण है ये आप कहना चाह रहे हैं नहीं इस बात को यही यहीं पर कंफ्यूज़न है वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज बाय एक्ट रजिस्टर्ड है वक्फ बाई यूजर इसका इसका ये रजिस्ट्रेशन आप इसी बात से समझ लीजिए कि वो प्रॉपर्टी बाय यूज वक्फ की है हुँ. अगर उसके अंदर कब्रिस्तान है उसके अंदर मजार है हुँ. अगर कहीं मस्जिद है वहां नमाजें होती है तो वो बाय यूज ही वो वक्फ की प्रॉपर्टी है हुँ. ये रजिस्ट्रेशन अलग हो गया रजिस्ट्रेशन का पार्ट इसमें नहीं है इसमें अगर ऑफ़ कोर्स वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए उसके लिए सर्वे कमिश्नर अपॉइंट करने की बात थी लेकिन आज तक वो सर्वे कमिश्नर ने नहीं किया है वो सर्वे कमिश्नर उसको करें अच्छी आप बात है दिशा में काम होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए 100 परसेंट होना चाहिए लेकिन अगर आप उस क्लॉज को हटा दीजिएगा तब तो वो वक्त प्रॉपर्टी नहीं रहेगी तो रजिस्टर कैसे होगी ये तो बिल्कुल बेसिक सा सवाल है कि आ, तो आ, आप भी तो इस बिल के खिलाफ बोल रहे हैं देखिए मैं मैं क्या बोल रहा हूँ इस बिल के खिलाफ नहीं मैं जो बिल सबसे पहले तो यहां पे ये कंफ्यूजन है कि भाई बिल का मतलब उसमें कई संशोधन होता है ठीक है आप बिल के खिलाफ हैं भाई मैं बिल के खिलाफ नहीं हूं बिल्कुल बिल आना चाहिए संशोधन होना चाहिए लेकिन संशोधन फॉर बेटरमेंट होना चाहिए संशोधन से मजबूती आनी चाहिए संशोधन से और हमारे हक उसमें छीनने नहीं चाहिए ठीक है तो हम आप अगर ये कहते हैं कि बिल के आप खिलाफ हैं इसका मतलब मैं कहता हूं मैं तो कह रहा हूं कि भाई इसको और मजबूत करिए आप ट्रांसपेरेंसी का उसमें एक पार्ट है दिफ, उसके मैं हुँ। हुँ। वो आना चाहिए जैसे कि कि आपने कहा नॉन को भी, भी हो रही है तो क्या इसको सही मान रहे हैं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। जो उसका है? स्ट्रक्चर है हाँ। हर हर धर्म का अपना अपना स्ट्रक्चर है वो ठीक है उसमें इंटरफेरेंस की आवश्यकता ही नहीं है और जो आपने कहा कि डीएम का आदेश आ जाएगा तो लैंड पे जो है वो रोक लगा देंगे तो इसको सही मान रहा है डीएम का आदेश नहीं देखिए यहाँ पे भी आप बात को समझिए अभी बहुत सारे लोग एक कॉमन सी लोगों के की धारणा बन गई है कि वक्फ बोर्ड ने जहाँ पे उंगली रख दी वो वक्फ बोर्ड का हो गया ऐसा नहीं है आज भी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो आप अगर वहाँ पे वक्फ बोर्ड में किसी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाना चाहते हैं किसी प्रॉपर्टी को आप वफ करना चाहते हैं तो आपके आवेदन को लेकर वक्फ बोर्ड अंचलाधिकारी को भेजता है डी को भेजता है ये बाई रूल है और वहां से आता है कि साहब इन्होंने शारिम साहब ने ये पेपर दिया है ये इनका है या नहीं है इनका अगर नहीं है तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और इनका अगर है तो वो रजिस्ट्रेशन होगा तो कुल मिलाकर जिस तरीके से सीएम नीतीश पहले तो ललन सिंह का जो स्टैंड आता है इस बिल को लेकर उसके बाद नीतीश कुमार से जो मुस्लिम नेता मिलते हैं आप कह रहे हैं कि बिल में संशोधन सही है ठीक है बेटरमेंट के लिए हो तो क्या होना चाहिए लास्ट देखिए होने के लिए सबसे पहली बात है कि अभी तो जेपीसी में है जेपीसी में ये सारी चर्चाएं चल रही है जो हमारे मिली इदारे हैं जो हमारे आ, यहाँ पे आप बात कर लें कि बिहार में इमारत शरिया है बहुत सिंसरिटी सिंसरिटी से वो काम कर रहा है ना, इधारे है ना इदारे शरिया है सात तंजीमें हैं उन लोगों ने मिलकर वो सब लोग उस पर वर्क किया है उन लोगों ने अपना लिखित्वे में उन्होंने अपना आवेदन को दिया है सब जगह पे अपने प्रपोजल्स को दिया है तो इन सबों से बात करनी चाहिए इन सबों के राय को लेना चाहिए और इन सबों के राय लेने के बाद आप संशोधन करिए कहीं कोई आपत्ति की बात नहीं लेकिन जिनका इस्टेक है आप उनसे बिना बात किए हुए अगर आप संशोधन करते हैं तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादी होगी